अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, द अल्टीमेट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की सीरीज में आज हम बात करेंगे बैसेट हाउंड के बारे में। दोस्तों, बैसेट हाउंड का ओरिजिन फ्रांस से है। आज जो हम बैसेट हाउंड देखते हैं, इन्हें फ्रेंच डॉग से ब्रीड किया गया था और उन डॉग्स को ग्रेट ब्रिटेन में ब्रीड किया गया था 18 सेंचुरी में। बैसेट हाउंड शॉर्ट लेग डॉग होते हैं और ये हाउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं। बैसेट हाउंड सेंट हाउंड्स होते हैं जो कि सूंग के अपने शिकार का पीछा करते हैं। बैसेट हाउंड को स्पेशली हेयर और छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए ब्रीड किया गया था जो कि होल्स में छुप के बैठे रहते हैं। बैसेट हाउंड का नाम दो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है जो कि है बैस और एट। बैसेट हाउंड को लोग पहले एज अ हाउंड डॉग यूज करते थे, लेकिन आज के टाइम में इन्हें बहुत से लोग अपने घर में एज अ फैमिली डॉग भी रखते हैं। बैसेट हाउंड को आप भी अपने घर में एज अ फैमिली डॉग रख सकते हैं और ये अपने ओनर और उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ही लॉयल होते हैं, लेकिन इंडिया में बैसेट हाउंड आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। बैसेट हाउंड छोटे बच्चों के लिए भी बहुत ही फ्रेंडली और प्लेफुल होते हैं। अगर बच्चे इनके कान पकड़ के खींचते हैं या फिर इनके ऊपर चढ़ के बैठते हैं तो बैसेट हाउंड इन सबको टॉलरेट कर सकते हैं। बैसेट हाउंड आपको थोड़े बहुत बीगल जैसे लग सकते हैं, लेकिन बैसेट हाउंड और बीगल दोनों अलग अलग डॉग ब्रीड है, लेकिन दोनों ही सेंट हाउंड्स हैं। बैसेट हाउंड का छोटा साइज होता है, इसलिए आप इन्हें स्मॉल साइज और मीडियम साइज के अपार्टमेंट में भी रख सकते हैं। इन्हें मीडियम वेदर कंडीशंस में रखना चाहिए, यानी ज़्यादा ठंडा भी नहीं और ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड भी नहीं। दोस्तों, बैसेट हाउंड मीडियम एनर्जी वाले डॉग्स होते हैं, लेकिन जब ये घर पे होते हैं इन्हें तब हमेशा सोना पसंद होता है। इन्हें बाहर जाके घूमना फिरना भी बहुत ही पसंद आता है। बैसेट हाउंड डॉग्स विद बेस्ट सेंस ऑफ स्मेल की लिस्ट में नंबर 2 पर है ब्लड हाउंड के बाद। अगर आप अपने बैसेट हाउंड को एकदम अच्छे से ट्रेन करते हैं या फिर किसी ट्रेनर द्वारा ट्रेनिंग दिलवाते हैं तो ये डॉग ट्रैकिंग के लिए आपके बहुत ही काम आ सकते हैं। मीलों दूर पड़ी चीज़ को भी ये बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये ढूंढ लेंगे। बाकी सभी डॉग्स की तरह बैसेट हाउंड को भी बचपन से सोशलाइज करने की ज़रूरत होती है। आप इन्हें अपने दोस्तों के साथ और आसपास के दूसरे डॉग्स के साथ भी अच्छे से मिलवाइए। अमेरिकन केनल क्लब ने बैसेट हाउंड को 1935 में ऑफिशियली एज अ डॉग ब्रीड रिकग्नाइज किया था। AKC की मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड की रैंकिंग में बैसेट हाउंड रैंक 39th पे है। बैसेट हाउंड में मेल्स की एवरेज हाइट 12 टू 15 इंचेस तक होती है और फीमेल्स की एवरेज हाइट 11 टू 14 इंचेस तक होती है। बैसेट हाउंड में मेल्स का एवरेज वेट 25 से लेके 34 केजीज तक होता है और फीमेल्स का एवरेज वेट 20 केजी से लेके 29 केजीज तक होता है। बैसेट हाउंड की बॉडी की स्किन लूज होती है। इनके ईयर्स भी लंबे और भारी होते हैं और नीचे की तरफ गिरे हुए होते हैं। इनके ईयर्स को रेगुलरली साफ करना पड़ता है, वरना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। बैसेट हाउंड का शॉर्ट हेयर्ड कोट होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ होता है जो कि रेगुलरली शेड करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े अमाउंट में। ये ज़्यादातर ट्राई कोट कलर में पाए जाते हैं जिसमें ब्लैक, टैन और वाइट होता है। उसके अलावा ये ब्लैक एंड वाइट, ब्राउन एंड वाइट और रेड एंड वाइट जैसे कोट कलर में भी पाए जाते हैं। बैसेट हाउंड का एवरेज लाइफ स्पैन 10 से लेके 13 ईयर्स या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड बैसेट हाउंड के बारे में। और पॉपुलर डॉग ब्रीड के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें इस वीडियो पे। थैंक यू।